का दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद टॉपर में। और स्टडी विद टॉपर के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं SSC CGL 2019 को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट नोटिस अपडेट करा है वेबसाइट पर SSC के द्वारा। तो SSC की इस वेबसाइट से हम इस नोटिस को पढ़ते हैं, इसमें क्या कुछ जानकारी लिखी है आपके लिए, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है इस पर क्लिक कर लेते हैं, देखते हैं इस नोटिस पर क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इस नोटिस में हम देख लेते हैं, इस नोटिस में स्पष्ट रूप से लिख रखा है, देखिए आप, इसमें लिखा है कि उन्होंने जो एग्ज़ाम डेट है टायर थ्री का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की जो डेट है वो 22 नवंबर फिक्स कर दी गई है, ठीक है ना, 22 नवंबर फिक्स कर दी गई है डेट। और इसके पहले अगर आपने नोटिस देख रखा हो तो इसमें टायर टू की जो डेट थी वो भी फिक्स कर दी है। टायर टू की जो डेट है वो 2 से 5 नवंबर की है, ठीक है दोस्तों, 2 से 5 नवंबर की जो डेट है वो फिक्स कर दी है टायर टू के लिए। तो जितने भी कैंडिडेट हमारे 2019 के कैंडिडेट हैं जिनका टायर फर्स्ट क्लियर हुआ है, उसमें लिखा है कि ऑल द कैंडिडेट हु आर क्वालिफाइड फॉर टायर वन एग्जामिनेशन विल बी एलिजिबल टू अपेयर टायर टू एंड टायर थ्री एग्जामिनेशन, ठीक है। जिनका टायर वन एग्जाम कंप्लीट हुआ है, क्लियर हुआ है, वो टायर टू और टायर थ्री दोनों ही एग्जामों में अपेयर होंगे, ठीक है ना। तो 22 नवंबर को टायर थ्री का एग्जाम फिक्स कर दिया है, इसके पहले वाले नोटिस में उन्होंने बता दिया था SSC की तरफ से, मतलब 2 से 5 नवंबर को ये टायर टू का एग्जाम होगा, ठीक है। और इसके अलावा हम ये बता दें कि इसमें और भी कुछ जानकारी जो है रेगुलरली आप विजिट करते रहें, यह भी उन्होंने थर्ड पॉइंट में लिख रखा है। तो हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको रेगुलरली बताते रहेंगे, जो भी कुछ अपडेट होगी आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके अलावा टायर 2019 के टायर CGL के जो टायर थ्री का पेपर है, उसके अलावा हम टायर जो 2018 का जो टायर थ्री है उसके बारे में जानकारी शेयर कर दें आपको, कि उसके बारे में भी एक नोटिस आज से कुछ दिन पहले जो है SSC की वेबसाइट पर आया था। तो उसको बता दें, इसमें लिखा है कि जो कैंडिडेट हैं 2018 वाले CGL के, उनमें उनका जो एग्जामिनेशन, जितने भी कैंडिडेट रिजल्ट के लिए इसके वेट कर रहे हैं 18 के एग्जामिनेशन में, तो उन्होंने बताया है कि कोविड-19 के इस तरह के पेंडेमिक सिचुएशन है उसके कारण ये एग्जामिनेशन जो है इनका एग्जामिनेशन का रिजल्ट है वो थोड़ा सा पेंडिंग चल रहा है, लेकिन जो ये कमीशन जो है इंश्योर करता है कि ये जल्दी ही, जितना जल्दी पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल, वो इस रिजल्ट को जल्दी जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जानकारी 2018 CGL की मिली और 2019 के CGL की आपको टायर थ्री की मिली होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों ही जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप इस चैनल, इस वीडियो को आप पहले तो लाइक कर दें और साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर भी कर दें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। और चैनल पर अगर नए हो तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टडी विद टॉपर यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद स्टडी विद टॉपर। थैंक्स।